हेलो, आज देखते हैं मॉर्निंग में सुमन अपने किचन में क्या बना रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी। इसके लिए बेडमी पूड़ी के लिए ये आपको मूंग उड़द दली धुली सफ़ेद वाली दाल चाहिए, थोड़ा आटा चाहिए और अदरक। और थोड़ा सा मैं सामान बता देती हूँ। ये अदरक को मैंने घिस लिया है, सूखा धनिया है, मेथरे हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप ना तीखा नहीं करना चाहते हल्का सा तो मत भी डाल सकते हैं। ये हल्दी है, ये थोड़ा सा सौंफ पीसा हुआ है। खट्टे के लिए मैंने आमचूर पाउडर लिया है, बहुत थोड़ा सा ये गरम मसाला है और कसूरी मेथी। इसके लिए ये जितना हम आटा ले रहे हैं उसका हाफ हमको दाल लेना है। ये आटा मैंने डाल दिया है। ये दाल को मैंने सोख करके, आप 2-3 घंटे भी सोख करके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, दरदरा ग्राइंड किया है। आप देखेंगे बहुत बारीक नहीं किया है। तो ये मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, आटे में सारे आप डाल दीजिए एक साथ। थोड़ा सा एज पर टेस्ट आप नमक डाल दीजिए इसमें और थोड़ा सा इसमें कोई सा भी ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो डाल सकते हैं। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ तो मैं वो डाल रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। इसको अब दाल मिला लेंगे। दाल मिलाने के बाद इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, एक डो बना लेंगे। और जब तक ये डो सेट होगा तब तक हम आलू की सब्जी को तड़का लगा देंगे। ये सारा मिक्सचर मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा आप पानी डाल के इसको गूंद लीजिए। जैसे जनरल आप पूड़ी का आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। स्टार्टिंग में मैं अजवाइन भूल गई थी, इसमें मैं अब अजवाइन डाल रही हूँ। तो अजवाइन भी ज़रूरी है डाइजेशन के लिए। जितने भी हमने मसाले डाले हैं उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, क्रंच देता है एक पूड़ी में। थोड़ी सी टाइट टाइट आपको आटा गूंदना है इसका, जैसे पूड़ी का होता है जनरली। ये डो हमारा रेडी हो गया है, काफ़ी देखिए टाइट टाइट है। जब तक ये डो सेट हो रहा है उतनी देर में हम आलू का मैं बता देती हूँ। आलू की सब्जी के लिए हमें ये थोड़े से आलू लिए हैं। जितने आप आलू ले रहे हैं उसके हाफ टमाटर ले लीजिए, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा और एक हरी मिर्च लिया है मैंने। मैंने ये सब सामान काट के ऑलरेडी रेडी कर लिया था। तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है 1 करछी, ये तेज़पत्ता लिया है मैंने 2, दालचीनी 1, बड़ा इलायची, जीरा, साबुत धनिया सूखा और लाल मिर्च साबुत, ये मैं डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा तेल गर्म हो गया है, तेज पत्ता को थोड़ा सा क्रैक करके डालना चाहिए। जीरा डाल देंगे, जैसे ही जीरा हो जाए जीरा जैसे ही लाल हो जाए इसमें ही सूखा धनिया डाल देना है आपने साबुत वाला और ये लाल मिर्च। और ये लाल मिर्च डालते ही जो अदरक और हरी मिर्च मैंने घिया कस करके रखा हुआ है ये डाल देंगे। ये अदरक डालते ही हो जाती है तो अदरक को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ही डालते ही होते ही इसमें ये टमाटर मैंने घिया कस करके रखा है वो डाल देना है। आलू मैंने उबाल लिए थे और एक विसल में, मीडियम साइज के आलू चाहिए तो एक विसल में ही हो जाते हैं। जैसे ही विसल खत्म हुए ये टमाटर मैंने डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक एज पर टेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये काफी तेज है, और सूखा धनिया 2 चम्मच, साबुत भी डाला था और मैं वैसे भी डाल रही हूँ, और ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है इसलिए मैंने टमाटर भी इसमें ज़्यादा डाले हैं और अमचूर पाउडर भी। अब थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने देते हैं, ढक के रख देंगे।
5 मिनट हो गया है, देखते हैं सब्जी का, देखिए कितना अच्छा रंगत आई है। इसमें अब कसूरी मेथी डालेंगे। ये मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पे, गरम तवे पे, कसूरी मेथी को हमेशा थोड़ा सा ऐसे कर लेना चाहिए फ्राई सा, एक सेकंड के लिए बिल्कुल, क्योंकि ये जल भी जाती है, वरना अगर आप इसको ऐसे हल्का सा गरम नहीं करेंगे तो एक फ्रेगनेंस जो होती है ना कसूरी मेथी की, एक्चुअल वो भी नहीं आती है। इसको गरम करके इस सब्जी में डाल देंगे। इसको मिला लेती हूँ। ये आलू बॉईल करके मैंने रखे थे पहले से ही, इसको मैं डाल रही हूँ। तो मिक्स कर लेंगे आप। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, आप देख लीजिए थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, जितने में ये सब डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर रख देंगे ढक के, और मीडियम आंच कर देंगे। तब तक मैं पूड़ी के लिए स्टार्ट कर देती हूँ। ये पूड़ियाँ मैंने बेल ली है। हम हमेशा सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ सेकते हैं, आप जो भी रिफाइंड यूज़ करते हैं आप उसमें कर सकते हैं। इसको बहुत ही केयरफुली डाल देंगे। इसको सेक लेंगे मीडियम आंच पे पूड़ियों को। ये देखिए कितनी फुली फुली बन रही है, एकदम करारी। देखते हैं अब हमारी सब्जी कैसी है। ये सब्जी हो गई है बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, एकदम आलू मैश होके मिल रहे हैं उसमें। अब इसमें बहुत ही थोड़ा सा मैं, जो भी आप हींग खाते हो वो आप डाल सकते हैं, बहुत ही थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। एंड में इसलिए डाल रही हूँ कि इसका मेन खुशबू ही एंड में अच्छी आती है। इसको मैं सर्विंग बाउल में डाल लेती हूँ। ये रेडी है हमारी प्लेट सर्विंग के लिए। कर्ड के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी पूड़ियाँ बनी हैं, आप देख लीजिए कितनी अच्छी, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी दोनों बनी हैं, और सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है। आप इसको प्लीज़ अपने घर में ट्राई जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।